गिन गिन के दिल तोड़ती टूट टूटते तारे। पहले यहाँ पे आपका वीडियो को ऐड करना है, अगर वीडियो को स्लो स्पीड करना चाहते हो तो यहाँ पे स्पीड में जाकर भी कर सकते हैं। वीडियो को स्लो स्पीड करने के बाद इस वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट में जाके वीपीएन को कनेक्ट करके करना है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पहले ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे, आपका वीडियो के हिसाब से देख के करना होगा, ठीक है दोस्तों। ब्राइटनेस को -5, नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट को -10, उसके बाद टेम्प को -20, ठीक है, थोड़ा ब्लू टोन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिगनेट को +11, आपको जितना चाहिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। इतना करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ओवरले का ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे एक स्काई बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, ठीक है, गूगल में मिल जाएगा, नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी डाउनलोड करके इजीली एडिट कर सकते हो। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद यहाँ पे स्पलिक का ऊपर क्लिक करके कलर बॉर्न का ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इस बैकग्राउंड का ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे वीडियो के हिसाब से, इतना तक ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के बाद इस बैकग्राउंड को पूरा अच्छा से जूम करके वीडियो का ऊपर रखना है, कुछ इस तरह पूरा अच्छा सेट करना है, ठीक है, जैसे देखने में भी थोड़ा रियल लगेगा। अभी देख सकते हैं एक ही क्लिक में कितना अच्छा से बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। इतना करने के बाद इस बैकग्राउंड को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट में जाके यहाँ पे हुए को चेंज करना है, ठीक है, देख सकते हैं हुए को +10 कर लेता हूँ, आपको देख के करना होगा। इतना करने के बाद डन, अभी क्या करना है, यहाँ पे फ्लाइंग बार्ड्स को ऐड करेंगे, ठीक है, फ्लाइंग बार्ड्स का भी वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ओवरली में जाके यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करेंगे, ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करने के बाद यहाँ पे रखना है कुछ इस तरह करके, उसके बाद यहाँ पे क्रोमा की में जाके यहाँ पे बीचों बीच में रखना है कुछ इस तरह करके, इस सर्कल को यहाँ पे रखने के बाद इंटेंसिटी का ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है, 100 करने के बाद शैडोज को भी यहाँ पे 100 करेंगे, उसके बाद इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को थोड़ा जूम करके अच्छा साइज कर लेंगे। यहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ इस तरह रोटेट भी कर सकते हैं, थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। वीडियो हमारा कंप्लीट एडिट, थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ, आप भी ट्रिक को अप्लाई करके कुछ इस तरह वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इतना करने के बाद वीडियो के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो को स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे आप म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो ऐड ऑडियो में जाकर भी म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। म्यूजिक को ऐड करने के बाद थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ अभी कितना अच्छा लगा। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। अभी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर देना है गैलरी के अंदर।